गंगोत्री धाम माँ गंगा का ये उद्गम स्थल है और इस स्थान में गंगा को एक और नाम से जाना जाता है, भागीरथ, जो आगे जाके अलकनंदा से मिलकर कहलाती है गंगा। लेकिन एक यही वजह नहीं है इस वैली में भारी मात्रा में यात्री, ट्रैवलर और ब्लॉगर आने का, एक और वजह है हरसिल वैली, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत घाटी। ऋषिकेश से 245 किलोमीटर दूर गंगोत्री से 26 किलोमीटर पहले इस पूरी घाटी में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है और यहाँ का हर एक गांव, इन पहाड़ों से बहता नीला पानी हर किसी को एक अलग ही अनुभव कराता है। हम तीन दोस्त चार धाम की यात्रा में निकले हैं। पिछले पार्ट में यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद हम शाम के टाइम निकले जानकी चट्टी से उत्तरकाशी, जो कि 125 किलोमीटर है। इस बीच हाईवे में एक भयानक एक्सीडेंट देखा, जिसमें बाइक सीधा ट्रैकर से जा टकराया। आप सभी से उम्मीद है पहाड़ों में बाइक, कार ध्यान से और सीमित स्पीड पर चलाएं। दोस्तों हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से। ओली कैफे में आए थे उत्तरकाशी से आगे आने के बाद। यहाँ मत आना, बिल्कुल मत आना, इधर बंद मिलेगा तू। हम तीनों जितनी भी बार इन पहाड़ों को देख लें, हर बार एक अलग ही एनर्जी रहती है। शायद इसीलिए इसे नेचर की खूबसूरती कहा जाता है। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है गंगा किनारे बसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से और गरम गरम पहाड़ी नाश्ते के साथ। कैमरा मेरा है, फोटोशूट चल रहा है। गंगा के दर्शन कर लो और वो गाँव देख। यहाँ से हरसिल 100 किलोमीटर की दूरी पे है और इस बीच बसे गंगा किनारे के गांव, झरने, रोड, घाटी खूबसूरत है, जिसमें से काफ़ी सारी जगह आप रुक के देख सकते हैं, जैसे मलेरी डैम, भटवाड़ी जहां पे हमने नाश्ता किया, गंगनानी हॉट स्प्रिंग, मस्ट विजिट दिस प्लेस, सूखी विलेज और उसके बाद आता है हरसिल। वैली का सबसे अच्छा पार्ट पता क्या है? जब तुम घाटी के टॉप पॉइंट पे पहुंचते हो सूखी विलेज में और उसके बाद डाउन जाते हो हरसिल के लिए, नदी के किनारे देवदार के पेड़ों से होते हुए एक सुंदर सा व्यू आंखों के सामने बस चलता रहता है जब तक तुम गंगोत्री ना पहुंच जाओ। नमस्कार सभी को, आज तीसरा दिन है, आज हमने जाना है दूसरे धाम गंगोत्री। तो अभी हम हैं हरसिल में। हरसिल में काफ़ी ठंड हो रही है और व्यू तो आपको पता ही है, इस पूरी घाटी का बहुत ही सुंदर है और हल्की हल्की बारिश लग चुकी है। नवंबर का महीना है और उम्मीद तो पूरी है कि बर्फ़बारी होगी, बट हम नहीं चाहते कि इस धाम में हमारे लिए बर्फ़बारी हो, क्योंकि इसके बाद हमने केदारनाथ जाना है, उसके बाद बद्रीनाथ जाना है। फोटो खत्म नहीं होती, फोटो खिंचवाने पर हम चला गया। आज है 10 नवंबर और 12 नवंबर को है दीपावली। उस दिन हमें पहुंचना है श्री केदारनाथ, इसलिए रुक नहीं सकते, पर आते वक्त हरसिल में मोमोज जरूर ट्राई करें, पेट तो भर ही जाएगा। बैक टू द वीडियो। मार्केट से आगे जाकर आता है बगोरी विलेज, मुखवा, वो गांव जहां कपाट बंद होने के बाद 6 महीने माँ गंगा की पूजा होती है। उसके बाद आता है धराली, लंका ब्रिज, गर्तांग गली और लास्ट में आता है गंगोत्री। किस चीज़ की कुर्बानी? हमारी कुर्बानी, हमारे को हमारे माता पिता मिल जाएंगे। अच्छा, रोजी बता रहे हैं
कि गुरुजी यहीं रहते हैं, बहुत समय से यहीं हैं और ये कुर्बानी दे रहे हैं कि जो इनके वक्त में छिन गया है भगवान इनको वापस देंगे वो सब चीज़ें, जैसे माता पिता, भाई बहन, घर बार, ये इनका छिन चुका है तो ये अब बैठे हैं यहाँ पे कि भोलेनाथ ही सब कुछ इनको देंगे वापस। वैसे भी अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस वैली को जितना भी दिखा दो हर टाइम कम ही लगता है। हम पहुंच चुके हैं लंका ब्रिज और जो हम देख रहे हैं आप भी देखो, 11,000 की फीट पर बना ये ब्रिज जितना सुंदर दिखने में है उससे ज़्यादा डरावना है ब्रिज पे खड़े होकर नीचे देखना। लंका ब्रिज के पास ही गर्तांग गली का ट्रैक जाता है, फिलहाल वो बंद है। अब इंतजार हुआ खत्म, हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री। ये मंदिर माँ गंगा को समर्पित है और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18th century में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, हालांकि वर्तमान में एक नए निर्माण का हिस्सा है। हमारी शुरुआत होती है मार्केट से, उसके बाद सबसे पहले दर्शन। वैजू कितना को? वैजी वो कति को? 50 को और 30 को। फूल फूल लग रहे हैं, दिवाली की तैयारी चल रही है, कपाट भी बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं 14-15 के आसपास। अखंड धुनी है ना आनंद भैरव जी। अच्छा, ये सब 12 मास जल रही है खबर परमानेंट, अभी की परमानेंट। जब से मंदिर को निर्माण हुए और माँ जी को, गंगा माता जी को, तब से ये को भी निर्माण हुए। गंगोत्री धाम भी अब काफी बड़ी जगह पे फैला हुआ है। और अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं की। एक कथा जो मैं जगह से जोड़ पाया हूँ, जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें पृथ्वी के चारों ओर एक यात्रा पर घोड़े लेके जाया जाता है बिना किसी रुकावट के, और जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं वो सारा क्षेत्र यज्ञ करने वाले का हो जाता है। देवताओं के सर्वोच्च शासक यानी सुप्रीम रूलर इंद्र को डर था कि अगर वो यज्ञ सफल हो गया तो वो अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया जो उस समय गहन ध्यान में थे। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़ों की खोज की और आखिरकार उसे ध्यान मग्न कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया। ध्यान से सुनना, राजा सगर के 60,000 क्रोधित पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पे धावा बोल दिया और जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म कर दिए। क्षमा मांगने पर मुनि ने बताया कि राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब गंगा जल उनका स्पर्श करेगा। सगर के कई वंशजों द्वारा आराधना करने पर भी गंगा ने अपृत होने से अस्वीकार कर दिया। अंत में राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने देवताओं को प्रश्न करने के लिए 5,500 वर्ष तक घोर तप किया। उनकी भक्ति से खुश होकर देवी गंगा ने पृथ्वी पर आकर उनके शापित पुरुषों की आत्मा को मुक्ति देना स्वीकार कर लिया। देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के वेग से भारी विनाश की संभावना थी और इसलिए भगवान शिव को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध ले। और यहीं पे है सूर्य कुंड और बोला जाता है भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को इसी स्थान से छोड़ा था, इसलिए गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है। और मंदिर के पास भागीरथ शिला भी है जहाँ पे भागीरथ ने तप किया था। और ये भी माना जाता है अगर भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा को नहीं छोड़ते तो गंगा पृथ्वी को चीरते हुए पाताल पहुंच जाती। शायद कोई यहाँ तक वीडियो देख भी रहा है कि नहीं, जो भी देख रहा है एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। यार
हम तीनों ने दर्शन कर लिए हैं गंगोत्री में, माँ गंगा के दर्शन हो चुके हैं। जी दगड़े हो सब, अब हम गंगोत्री धाम था तो अब हमारे प्लान था मन जाना पर केदारनाथ, तो मौसम वही बहुत ज़्यादा ख़राब, बर्फ आते लगी हल्की फुल्की, बस अब बर्फ पड़ने वाले थोड़ी देर मज़ा ही नहीं लग रहा, और हमारा भाई बिल्कुल शांत से भैया हमने भी हम गंगा जल भरे ली, अब तक घर ले जा ला, यहाँ पे इन्होंने ना बहुत सारी फोटोज वगैरह बना ली थी, वही सब हम देख रहे हैं। तो मार्केट है, अच्छा यहीं से तो आए थे हम, तो मुझे लगा उस साइड से आए हैं। कौन से ले रहे हो? यहाँ पे नहीं गाड़ी, मिलते हैं आपको अगले धाम अगले ट्रैवल वीडियो में।